काफी ज्यादा खूबसूरत है गाइस, देख सकते हैं कैनकेन काफी हैवी प्रोवाइड की गई है। इस तरह की आपको वेस्ट पे इस तरह की डिटेलिंग दुपट्टा काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, Roshni Gupta, and you're watching Roshni Gupta Vlogs. तो कैसे हो आप लोग? I hope guys आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। तो मैंने मीशो से बहुत सारे फेस्टिवल कलेक्शन परचेस किए हैं जिसकी मैं रिव्यू करने वाली हूँ। सारे फेस्टिवल कलेक्शन अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है वो कलेक्शन जिसको मैंने मीशो से परचेस किया है एंड बहुत ज़्यादा हैवी हैवी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट परचेस है ये लहंगा एंड ये कियारा आडवाणी ने अपने वेडिंग में पहना था। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं गाइस। वाओ गाइस, लहंगे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देख सकते हो इसकी प्राइस मुझे ओनली 2000 की मिली है एंड क्वालिटी कितनी ज़्यादा सुंदर आई है गाइस। इसमें आपको एक दुपट्टा, एक ब्लाउज की फैब्रिक एंड इसमें आपको लाइनिंग भी अटैच्ड मिली है, देख सकते हो। एंड इस तरह की आपको लहंगा आएगी। तो चलो शॉपिंग करके सबसे पहले इसकी ब्लाउज की फैब्रिक देख लो। इस तरह की वी नेक शेप की इसकी ब्लाउज स्टिच्ड करवा सकते हो आप एंड इसमें बहुत सारे कटिंग्स मिले हैं ब्लाउज के, देख सकते हो। ये आपको स्लीव्स के लिए दिए गए हैं, ये आप स्लीव्स इसकी अटैच करवा सकते हो। थ्री क्वार्टर से कम की स्लीव्स इसकी बनेगी एंड ये आपको बैक पोर्शन के लिए दिया गया है, इसमें कट किया हुआ है। इस तरह की आपको आगे या फ्रंट पे या फिर बैक पे आप इसे दोनों इस तरह की कटिंग्स आपको वीनेक शेप की ही मिलती है एंड इसमें आपको लाइनिंग भी अटैच्ड मिलेगी गाइस, देख सकते हो। ब्लाउज के लिए आपको लाइनिंग भी दी गई है, फैब्रिक लाइनिंग की, देख सकते हो। आपको अलग से लाइनिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये लुक आ जाएगी इसकी दुपट्टे की। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, देख सकते हो। इस तरह की कटिंग वर्क में आपको इसकी दुपट्टा मिल रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर सी दुपट्टा है गाइस। जिस तरह की उन्होंने वेयर की हुई थी उसी तरह की आपको दुपट्टा भी मिलेगी। इस तरह की कटिंग वर्क की डिज़ाइन मिल जाएगी आपको एंड दुपट्टे पे आपको देख सकते हो थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग मिलेगी गाइस, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड इस तरह की जरी पैटर्न में आपको इस तरह की दुपट्टा में पैटर्न मिलेगी एंड इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। चौड़ाई आपको इतनी मिलेगी, लंबाई दुपट्टे की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड चारों ओर दुपट्टे पे आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी गाइस, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। पिंक कलर के थ्रेड से इस तरह की आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस, नेट की दुपट्टा है, नेट भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी है। बीच बीच में आपको इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की हुई एंड इस तरह की क्रीम कलर शेड में आपको लाइट पिंक कलर के एंड क्रीम कलर के शेड में आपको इस तरह की दुपट्टा मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गाइस। इसकी लहंगा देख लो, इस तरह की आपको सेमी स्टिच्ड में आपको इसकी लहंगा मिल जाएगी। पिंक कलर एंड डार्क पिंक कलर के शेड में आपको इसकी लहंगा मिल जाएगी। लहंगे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें बहुत ज़्यादा कैनकेन आपको रिसीव मिल जाएगी, देख सकते हो। बहुत अच्छी इसमें कैनकेन प्रोवाइड की गई है गाइस एंड लहंगे पे आपको इस तरह की वर्क मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। हैवी वर्क में इसकी लहंगा मिल जाएगी, लहंगे पे इस तरह की आपको वर्क मिल जाएगी। वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी है, पूरे लहंगे पे आपको मिल जाएगी। लाइट पिंक एंड डार्क पिंक के शेड में आपको इस तरह की लहंगा मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इस तरह की सीक्वेंस वर्क हो रखी है, बहुत ज़्यादा सुंदर सी गाइस, देख सकते हो। गाइस लहंगा आपको सेमी स्टिच्ड मिलेगी, देख सकते हो। इस तरह की आपको वर्क मिल जाएगी लहंगे पे एंड इसमें कैनकेन भी प्रोवाइड की गई है गाइस, देख सकते हो। कैनकेन काफ़ी हेवी प्रोवाइड की गई है गाइस, आप इसे वेयर कर किए हुए देख सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस ये लहंगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग लहंगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर दी गई है। 2000 में आपको इस तरह की वर्क मिल रही है लहंगे पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइस एंड देख सकते हो। इस तरह की आपको इसकी सैटिन सिल्क की फैब्रिक मिल जाएगी इसकी लाइनिंग में एंड बहुत ज़्यादा सुंदर सी लहंगा है गाइस एंड घेर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। पूरे लहंगे पे आपको इस तरह की घेर मिल जाएगी, पूरे आपको इस तरह की दिख भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा घेर है इसमें, बहुत ज़्यादा घेर है इस लहंगे में गाइस। बहुत ज़्यादा सुंदर सी लहंगा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस लहंगे की क्वालिटी एंड लहंगा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी वर्क एंड फैब्रिक। फैब्रिक आपको इसकी जॉर्जेट की मिल जाएगी एंड इसकी वर्क की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस, सीक्वेंस वर्क की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरह के जरी पैटर्न में आपको इस तरह की वर्क मिल जाएगी गाइस, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो गाइस ये लहंगा प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आपको अपने वेडिंग या फिर फेस्टिव वेयर के लिए कोई लहंगे की तलाश हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको इसे परचेस करना हो तो मैं इसके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने ये ग्रीन कलर की लहंगा ली है एंड मैंने इसे स्टिच्ड करवा लिया, इसकी ब्लाउज भी स्टिच्ड करवा ली है एंड इसकी लहंगा भी स्टिच्ड करवा ली है। ये मुझे
सेमी स्टिच में मिली थी एंड मैंने इसे स्टिच करवा ली है गाइस। तो चलो ओपन करके दिखाती हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस तरह की स्टिच करवाई है। फ्रंट मैंने राउंड नेक रखा है एंड बैक मैंने स्क्वायर नेक रखी है इस ब्लाउज की। एंड थ्री क्वार्टर स्लीव्स की मैंने सिलवाई है इस ब्लाउज को, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड मैंने इसे इसमें एक डोरी भी अटैच्ड करवाई है गाइस, देख सकते हो आप। तो चलो इसकी लहंगा मैं दिखा देती हूँ। लहंगा मुझे सेमी स्टिच्ड मिली थी, मैंने इसे सिलवा ली है, देख सकते हो आप। इस तरह की आपको वेस्ट पे इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी एंड ये इस तरह की पर्ल की, इस तरह के कुंदन की डिटेलिंग मिलेगी गाइस, देख सकते हो वेस्ट साइड पे लहंगे के। एंड इस तरह की आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिलेगी गोल्डन कलर की। एंड लहंगे की क्वालिटी सिल्क फैब्रिक में आपको आ जाएगी, बहुत ज़्यादा शाइनेबल फैब्रिक है। एंड बीच बीच में आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी लहंगे पे, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर सी इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है गाइस, देख सकते हो। फ्रंट से मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टोन एंड गोल्डन थ्रेड से आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा सुंदर सी लहंगा है गाइस। एंड नीचे आपको इस तरह की वर्क मिल जाएगी बॉर्डर पे, देख सकते हो इस तरह की। एंड नीचे मैंने इस तरह की पर्ल की डिटेलिंग करवाई है, इसमें नहीं अटैच थी एंड इसमें कैन प्रोवाइड नहीं की गई है गाइस। एंड अंदर आपको इसकी सिल्क की फैब्रिक मिल जाएगी लाइनिंग के लिए। एंड इसकी फैब्रिक आपको सिल्क की मिलेगी एंड अंदर में आपको इसकी लाइनिंग मिल जाएगी, इसकी भी सैटन सिल्क की आपको इसकी लाइनिंग अटैच मिलेगी। एंड इसमें मैंने लटकन्स वगैरह खुद का लगवाया, इसमें मुझे नहीं मिला था। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर सी इसकी घेर आ रही है एंड इसकी प्राइस मैंने ओनली 1200 की परचेस की है गाइस। मैं इसकी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो गाइस लहंगे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड देख सकते हो फैब्रिक इसकी शाइनेबल फैब्रिक है, सिल्क की फैब्रिक मिलेगी। एंड देख सकते हो इस तरह की आपको डिटेलिंग पूरे लहंगे पे मिल जाएगी एंड घेर भी अच्छी खासी है इसकी, 1200 में अच्छी खासी घेर मिल रही है गाइस आपको। एंड देख सकते हो बहुत सारा सुंदर सी लहंगा है गाइस। तो चलो इसकी दुपट्टा देख लेते हैं। इस तरह के डिज़ाइन में आपको इसकी दुपट्टा मिल जाएगी। दुपट्टे की फैब्रिक आपको जॉर्जेट की मिलेगी एंड दुपट्टे पे चारों ओर आपको इस तरह की बॉर्डर पे आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी जिस तरह की इसकी ब्लाउज की फैब्रिक पे थी एंड लहंगे के बॉर्डर पे थी। इस तरह की आपको देख सकते हो दुपट्टे पे आपको इस तरह की फैब्रिक पे आपको इस तरह की बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड मैंने इसे फिर से अपने से परचेस करके लगवाया, इसमें नहीं मिली थी आपको, मैं बार बार बता रही हूँ। इसमें पर्ल की डिटेलिंग मैंने खुद से करवाई है गाइस। एंड इस तरह की आपको इसमें बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाएगी दुपट्टे पे एंड डिटेलिंग मिल जाएगी एंड बीच बीच में आपको इस तरह की फ्लावर की डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड इसमें इस तरह की सिंगल स्टोन चिपकी हुई है गाइस, इसमें कोई स्टिच नहीं की हुई है, चिपकी हुई है स्टोन इसमें। एंड फैब्रिक इसकी जॉर्जेट की मिल जाएगी एंड चारों ओर आपको इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी, इस तरह की स्टोन चिपकी हुई है बॉर्डर पे, आपको इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा सुंदर सी इसकी दुपट्टा भी है गाइस। चौड़ाई लंबाई दोनों ज़्यादा अच्छी है, चौड़ाई दुपट्टे की बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। 2 मीटर की दुपट्टा है ये एंड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी लंबी चौड़ी दुपट्टा है गाइस। ये देख सकते हो बीच बीच में आपको इस तरह की फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड चारों ओर आपको इस तरह की बॉर्डर पे डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी सी दुपट्टा भी है डार्क ग्रीन शेड में एंड जॉर्जेट की फैब्रिक मिल जाएगी। कहेंगे कि प्राइस मुझे ओनली 1200 की मिली है एंड इससे आप किसी भी वेडिंग के लिए या फिर किसी भी फेस्टिव वेयर के लिए परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको इसे परचेस करना हो तो मैं इसकी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी इस तरह की लहंगा मिल जाएगी एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, देख सकते हो आप। एंड इसकी प्राइस मुझे ओनली 1500 की पड़ी है गाइस। तो चलो इसे ओपन करिए। लहंगे में भी मुझे ब्लाउज की फैब्रिक एंड इसमें इनर प्रोवाइड की गई है एंड एक लहंगा एंड इसमें एक दुपट्टा मिली है मुझे। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं। ब्लाउज की फैब्रिक आपको कुछ इस तरह की मिल जाएगी, देख सकते हो वी नेक शेप की आपको इसकी नेक लाइन मिल जाएगी एंड इसमें आपको अलग से कटिंग की हुई है, देख सकते हो आपको ब्लाउज की स्लीव्स के लिए अटैच की गई है, देख सकते हो आप। इसकी आप शॉर्ट स्लीव्स सिलवा सकते हो एंड इसमें आपको लाइनिंग भी अटैच मिलेगी, इस तरह की आपको सैटन सिल्क की लाइनिंग मिल जाएगी गाइस ब्लाउज की फैब्रिक में, देख सकते हो इस तरह की आपको सैटन सिल्क की लाइनिंग भी अटैच्ड मिल जाएगी। तो गाइस ये आ जाएगी इस लहंगे की दुपट्टा। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी दुपट्टा गाइस। लाइट स्काई ब्लू कलर में इसकी दुपट्टा आ जाएगी गाइस एंड इस तरह के कट डिज़ाइन में आपको इसकी दुपट्टा मिल जाएगी। दुपट्टे की शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस, नेट की दुपट्टा है, नेट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी है इसकी। एंड दुपट्टे पे आपको इस तरह की सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग मिल जाएगी, देख सकते हो मैं आपको फ्रंट से दिखा दे रही हूँ।
इस तरह की सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग आपको दुपट्टे पे मिल जाएगी। एंड दुपट्टे की शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। एंड बीच बीच में दुपट्टे पे आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी सीक्वेंस वर्क के साथ। एंड चारों ओर बॉर्डर पे आपको इस तरह की सुंदर सी कटिंग वर्क की डिज़ाइन की हुई दुपट्टे मिल जाएगी गाइस। दुपट्टे की चौड़ाई आपको इतनी आएगी, लंबाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड सॉफ्ट सी दुपट्टा है गाइस। नेट की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो इसकी लहंगा देख लेते हैं गाइस। गाइस ये आ जाएगी इसकी लहंगा। इस तरह के वेस्ट पे आपको इस तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की एंड इस तरह की सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग मिल जाएगी। तो इस तरह की सिल्वर कलर के डिज़ाइन में आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर सी। थोड़ी इमेज से अलग है गाइस बट अच्छी खासी लहंगा है गाइस। ये आपको सेम ही स्टिच में मिलेगी, ये मैंने सिलवाई नहीं है। एंड आपको इसमें लाइनिंग अटैच्ड है, जिस तरह की आपको ब्लाउज की फैब्रिक इसकी मिली थी उस तरह की आपको लाइनिंग मिल जाएगी। एंड नीचे भी आपको इस तरह की कटिंग डिज़ाइन मिल जाएगी गाइस, देख सकते हो। आपको इसके बॉर्डर पे इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी जिस तरह की इसकी दुपट्टा थी। एंड नेट की क्वालिटी की लहंगा है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर सी इसमें वर्क हो रखी है। एंड देख सकते हो इसमें कोई कैन प्रोवाइड नहीं की गई है गाइस, और इसमें आपको बिल्कुल भी कैन नहीं मिलेगी, देख सकते हो। सिंपल सी लहंगा है, आपको अलग से इसमें कैन अटैच करवानी होगी। एंड मैंने इसे स्टिच नहीं करवाई है अभी तक, देख सकते हो। लहंगे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लहंगा का, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लहंगे की डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस तरह की आपको ऊपर से नीचे तक आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में मिल जाएगी। नीचे आपको इस तरह की सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। नीचे आपको इस तरह की डिज़ाइन डिटेलिंग मिल जाएगी कटिंग डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा सुंदर सी। एंड वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसकी स्टाइलिश लुक दे रही है। पूरे लहंगे पे आपको इस तरह की वर्क की डिटेलिंग मिल जाएगी गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर सी लहंगा लग रही है। एंड इस तरह की आपको सैटिन सिल्क की इसमें फैब्रिक अटैच्ड है लाइनिंग के लिए। एंड बार बार मैं बोलूँ इसमें कोई भी कैन अटैच नहीं है गाइस, वेस्ट साइड पे आपको इतनी मिल जाएगी, देख सकते हो। तो गाइस ये लहंगा भी फेस्टिव वेयर एंड वेडिंग वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसकी प्राइस मुझे ओनली 1500 की पड़ी है। तो अगर आपको इसे परचेस करना हो तो मैं इसकी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।